Right, the real singer Sajjad Ali on the vocals were a lovely one. Must FM 103 के खराजी स्टूडियो से आप सुन रहे हैं देसी नाइट्स. मेरे साथ मेरा नाम हुमायूं है और मैं मंडे थर्सडे आपको साथ देता हूँ उस शो में जिसका नाम देसी नाइट्स है, एज आई सेड अभी. और वो तमाम लोग जिन्होंने आज पहली मरतबा हमें सुना है उन्हें हम वेलकम करते हैं और आपको बताएं कि भाई पी से जुमेरात सुना करें. और कभी ना सुनने को अगर आने वाले दिनों में मिलूं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इमरान खान भी कहता है घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन फिर आप पूछ लेते हैं अब वाले हालात में, आप पूछ लेते हैं सर घबरा लें, अब थोड़ा घबरा लें. अभी तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आएगी उसकी चतरोल टाइट होनी है, क्योंकि खान साहब की बात तो उन्होंने कहा था कि पहले बैटिंग करना और उसके बाद फिर उन्होंने बैटिंग नहीं की. लाइक ये वाली में भी कुछ लोगों की सुनगुन है कि आएंगे तो फिर जब जमेगी महफिल तो खान साहब बताएंगे. ओके कहा था मैं, हाँ मैं बता रहा था कुछ वो गाड़ियाँ जिनके बारे में अक्सर हम गुमान करते हैं और अक्सर हम कह देते हैं कि बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर ड्यूटियाँ भी होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है. आई डोंट सपोर्ट सच कॉमेंट्स, या मैं उन गाड़ियों के बारे में भी कुछ ऐसी बात नहीं करता, कुछ ऐसी राय नहीं रखता. बिकॉज हम अपनी जो कोताहियाँ हैं ना उन्हें कभी भी याद नहीं रखते. अब अपनी कोताहियाँ हमारी बड़ी छोटी सी हैं, हम जब भी गाड़ी चला रहे होते हैं तो चाहे हम डब्बा गाड़ी चलाएं या हम लग्जरी गाड़ी चलाएं, दादा सीट बेल्ट बांधना तो पाकिस्तानियों ने सीखा ही नहीं. लेकिन वही पाकिस्तानी अगर दुबई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो ड्राइव नहीं भी कर रहे होंगे तो बराबर वाले के साथ भी इतने अहतमाम से कोई सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे कि जैसे एक एक रूल फॉलो करना इनका अव्वलीन फरीजा है और उन्होंने ओथ ली भी है कि भाई हम सारे रूल फॉलो करेंगे. तो वही चीज़ हम पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई करते. और इस गाड़ियों को ये जो नई गाड़ियाँ आई हैं जिनमें एयर बैग्स हैं उनकी जो लोगों ने बुराइयाँ की हैं या उनको बुरा भला कहा है, तो रिसर्च कहती है कि भाई अगर आपका सीट बेल्ट लगा होगा तो वो एयर बैग खुलेगा, अगर आपको सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की जरूरत में सीट बेल्ट नहीं खुलेगा. ठीक है, अदर इज ट्रू और फॉल्स बात कुछ भी है, लेकिन मेन मुद्दा आप तक पहुंचाने का ये है कि भाई सीट बेल्ट लगाया करें, आगे आंधी आए तूफान आए सीट बेल्ट जरूर लगी होनी चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक, हम ट्रैफिक की खुद वायलेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा चालान भी ना हो. परसों में जा रहा था एक ऑनलाइन जो कैब सर्विस है उसके साथ, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैंने उसको कभी नहीं बोला. हालांकि मैं कभी कभी जब लेट हो रहा होता हूँ या कुछ होता है मैं बोलता हूँ यार यूं करके यूं निकाल दे, लेकिन शुक्र है उस दिन मेरे मुंह में कोई लगाम लग गई थी, कुछ हो गया था और मैंने उसको नहीं कहा कि यूं करके लगा दे. उसने यूं ही निकाली, फेज वन का सिग्नल था, नहीं एनएमसी वाला सिग्नल था, और भाई साहब ने लैक कोने पे आ जाओ बेटा सिग्नल तोड़ा. तो मतलब उस वक्त मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था, वरना आपका भाई इतना चौड़े में आता है कि जिसकी कोई हद नहीं. और दुनिया इस बात की मिसालें मेरी बहन को देखती है कि मैंने उससे विश भी किया था लेकिन वो तो इतने चौड़े चल रहे हैं कि उन्होंने ईद मुबारक का जवाब नहीं दिया. तो सोचें कहीं ना कहीं तो आपने कोई भंड मारा होगा, कोई ना कोई तो आपने गलत किया होगा, ऐसी तो खामोशी नहीं होती ना.